हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ब्यूटी ग्लोस। तो आज मैं एक फेशियल का वीडियो शेयर करने वाली हूँ और ये है जोबीज का पर्ल व्हाइटनिंग फेशियल मिनी किट और ये है 5-स्टेप फेशियल किट। एंड इसमें फर्स्ट स्टेप में आते हैं क्लींजर कम स्क्रब, ये 15 ग्राम का है, यानी कि क्लींजर और स्क्रब दोनों मिक्स है इसमें। और सेकेंड स्टेप में आते हैं मसाज क्रीम विथ विटामिन ए, ये भी 15 ग्राम का है। सो दोस्तों, विटामिन ए जो है ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। विटामिन ए स्किन के डार्क स्पॉट्स को दूर करते हैं, स्किन को लाइटनेस देती है, ब्राइट करते हैं स्किन को और एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। उसके बाद है थर्ड स्टेप और ये है फेशियल मास्क, ये भी 15 ग्राम का है। और उसके बाद है फेस क्रीम, ये भी 15 ग्राम का है। एंड लास्ट में है वाइटनिंग सीरम, ये 5 ml का है। एंड इस फेशियल किट का प्राइस है 500 rupees, बहुत ही अफोर्डेबल है ये प्रोडक्ट क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि ये है तो मिनी किट, बट इस फेशियल किट से आप अपने फेस का 2 से 3 बार फेशियल करवा सकते हो। एंड आप देख सकते हो इस फेशियल किट का सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फेशियल को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं अपने फेस को क्लीन कर लिया, जितने भी काजल लिपस्टिक यानी कि क्रीम वगैरह अप्लाई किया हुआ था उसे मैं वॉश कर लिया। और अब मैं फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने वाली हूँ क्लींजर कम स्क्रब। एंड इससे अपने फेस पर हल्का हाथों से मसाज करनी है, बहुत ज़ोर से प्रेशर देकर मसाज नहीं करनी है। एंड इसमें जो दाने होते हैं यानी कि पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। एंड दोस्तों, स्क्रब हमारे स्किन के जितने भी डेड स्किन होते हैं या फिर ब्लैक हेड्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं, स्किन की पोर्स को क्लियर करते हैं। तो बहुत ही जेंटली मसाज करनी है 10 से 15 मिनट तक, और उसके बाद फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेनी है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ मसाज क्रीम, और इससे भी बहुत ही जेंटली मसाज देनी है 10 से 15 मिनट तक। एंड दोस्तों, फेशियल में जो मसाज होते हैं वो स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मसाज करने से स्किन की ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है और जिसकी वजह से स्किन ग्लो करते हैं। मसाज करने से स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, एंटी एजिंग का भी काम करते हैं, स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं एक्ने, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, डलनेस, ये इन सारी प्रॉब्लम्स जो है ये स्किन की जो पोर्स है ये बंद हो जाने की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, फेशियल में मसाज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो मसाज करते टाइम कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम आराम से जेंटली मसाज देनी है। और मसाज कंप्लीट करने के बाद फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेनी है। एंड मसाज करने के बाद अप्लाई करने वाली हूँ फेस मास्क। दोस्तों, फेस मास्क स्किन की डेड स्किन को रिमूव करते हैं, स्किन को अंदर से क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, इसे भी बहुत ही अच्छे से अप्लाई करनी है अपने फेस पर, और इसे मैं 15 मिनट तक अप्लाई किया, और अब मैं इसे वॉश करने वाली हूँ नॉर्मल वाटर से। एंड वॉश करने के बाद फेस को टॉवल या फिर टिश्यू से पोंछ लेनी है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ फेस सीरम। तो अपने हाथों पर 5 से 6 ड्रॉप्स आपको सीरम लेनी है और थोड़ा सा रब करके अपने फेस पर अप्लाई कर देनी है। एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी फेस क्रीम। सो दोस्तों, आप भी घर पे ये फेशियल कर सकते हो अगर आपको फेशियल का मसाज स्टेप आती है। अगर किसी और को भी आती है फेशियल का स्टेप तो उसे भी करवा सकते हो, अदरवाइज आप फेशियल ना करें अगर आपको पता नहीं है किस तरीके से फेशियल करनी है, इसका मसाज क्या है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।